माय चैनल सिंपल आटो कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मानसून स्पेशल डिश आलू प्याज के पकोड़े। बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी से बनकर तैयार होती है और बहुत टेस्टी है। बारिश का मौसम है और पकोड़े ना बने ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले दो मीडियम साइज़ के आलूओं को हमने छील लिया है। एक बर्तन में पानी ले लेंगे और साथ ही ग्रेटर ले लेंगे घिसनी, आलूओं को खींचने के लिए, ग्रेट करने के लिए। मोटे साइज से हमें खींचना है, बारीक से नहीं, क्योंकि हमें लच्छे मोटे मोटे चाहिए आलूओं के। जिस तरीके से वीडियो में नज़र आ रहा है सेम उसी तरीके से आप करें। आपके पास जो भी ग्रेटर हो मोटे साइज से आप करें उसमें, और पानी के अंदर ही करें ताकि जो लच्छे हैं वो काले ना पड़े। जी देखिए कितने अच्छे लच्छे तैयार हुए हैं। अब हम दो से तीन पानी से इसे धो लेंगे ताकि सफ़ेद पानी स्टार्च निकल जाए। देखिए निकल गया है सफ़ेद पानी और साफ पानी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पानी में से इसे इस तरीके से दबा दबा कर लच्छों को आलू के निकाल लेंगे। आप चाहे तो चलनी की मदद से भी इसे ड्रेन करके दबा के निकाल सकते हैं। लच्छों में पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए क्योंकि पकौड़े बनने में मुश्किल होंगे अगर पानी थोड़ा सा रहेगा तो। तरीके से निकाल लिया है हमने। अब एक बर्तन में हम ये लच्छों को ट्रांसफर कर देंगे, डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का, लंबे लंबे लच्छों में इसे काटे। हमारा जो पकोड़े हैं बन रहे हैं हाथों की मदद से आसानी से। बस इसी तरीके से बस ये बाइंड आपस में जुड़ना चाहिए। आप चाहे तो चपटे कर ले या ऐसे गोल रखे। अब एक गैस ऑन करके हमने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम मीडियम साइज पर मीडियम रखेंगे और पकौड़े डालना शुरू करेंगे। अब हमें कड़छी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर जब तक का थोड़ा ये इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और थोड़े से ही आपस में जुड़ नहीं जाते, वरना टूटने लगेंगे। अब देखिए थोड़े कलर चेंज होने के बाद हम इसे पलट देंगे। गैस की जो फ्लेम है वो हम मीडियम ही रखेंगे। लो फ्लेम अगर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल भी गीले गीलेपन उससे टूटने लगेंगे। देखिए इस कलर के होने तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से कलर आया है इसके ऊपर, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हमने इसे सर्व कर लिया है और इस पर हम डाल रहे हैं चाट मसाला पाउडर। तो लीजिए गर्मा गर्म मानसून स्पेशल डिश आलू प्याज के पकोड़े रेडी है, तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।